हाँ जय माता दी। और सुनाओ आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ, आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, ऊंच कोटि का भूत प्रेत का हटाने का झाड़ फूँक करने का एक मंत्र मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। ऊंच कोटि का भूत प्रेत, एक पहले इधर बात दे ख्याल करना, ये जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों नेपाल का स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये जो मंत्र है दोस्तों कोई किताबी मंत्र नहीं है, गुरु परंपरा से मिलत आ रहा है, ठीक है। गुरु परंपरा से हम लोग के मंत्र चलत आ रहा है। आ जितना भी मंत्र मैं बताता हूँ दोस्तों प्योर देहाती मंत्र बोल सकते हो इसको, ठीक है। प्योर देहाती ग्रामीण मंत्र भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। ऊंच कोटि के भूत प्रेत मैं बताता हूँ दोस्तों, किसी के शरीर पर आता है, बार बार आता है, वो जाता नहीं है, ठीक है। 10-15-20 गुरु आकर या कोई तांत्रिक आकर झाड़ फूँक कर चल जाता है, फिर वही सही रहती है, फिर खेलती है, उसी को दोस्तों ऊंच कोटि का भूत प्रेत कहते हैं, ठीक है। जैसा अघर नट अघोरी गंगया रूपनी, ठीक है, ये ऊंच कोटि में आता है दोस्तों। भूत प्रेत का भी श्रेणी होता है, सबसे ऊंच कोटि आगे में रहने वाला का दोस्तों मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे उसको हटाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जब ऐसा जब होता है उसके शरीर पर आने के लिए आता है, कुछ बोलता है आ फिर नहीं जाता है दोस्तों, उस समय क्या होता है, तांत्रिक लोग के पसीना छूट जाता है। भारी भारी जो तांत्रिक रहता है ना, देखते हैं ऐसा करके, सिर्फ चेक करेंगे तो पसीना छूट जाए, लग जाएगा ऐसा पसीना आने। आम आदमी को, छोटा छोटा आदमी रहता है, उसका बातें छोड़ो ना। तो इसको कब प्रयोग करना है दोस्तों, उससे बात करिए यहाँ के क्या है, छोड़ दो, जाओ, ये गरीब आदमी है, इसको भी थोड़ा कमाने खाने दो, क्योंकि बहुत दिन सताया, बहुत दुख दिया, उसको छोड़ दो, बकस जो ऐसा बोलना है। जब नहीं मानता है तो दोस्तों क्या करना है दोस्तों, पितलिया जौन छोलनी होता है, सब्जी चलाने वाला दोस्तों, ठीक है, ऐसा छोलनी होता है, उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वो छोलनी के क्या करना पड़ेगा, अग्नि में उसको क्या करिए, उसको तता दीजिए, ठीक है, लाल हो जाएगा, उसको अग्नि में रख देना है। रखने के बाद में 10 मिनट के बाद दोस्तों एकदम लाल हो जाएगा। और लाल होने के बाद में दोस्तों एक ये मंत्र में बताऊंगा अभी, नेपाल का स्वयं सिद्ध देहाती सावण मंत्र है, वो छोलनी के ऊपर ऐसा पढ़कर मंत्र पढ़िए, ऐसा पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं, 5 बार ये मंत्र को, जन में बताऊंगा ये मंत्र को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में दोस्तों वो क्या करना है, जौन जैसा अघर नट अघोरी गंगया रूपनी ऊंच कोटि का भूत प्रेत या खबीश जीन को भी इसका माध्यम से उसको सबक सिखा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक ले आदमी प्रयोग जब तक ले नहीं करेगा उसको मारने के लिए, या कोई उसके ऊपर प्रयोग नहीं करेगा जब तक ले जाने वाला चीज नहीं है, एक पहले बात ख्याल करना। तो वो जन छोलनी है, छोलनी के क्या करिए, सबसे पहले इधर तो मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वो जन छोलनी एकदम लाल में लाल हो जाता है अग्नि जैसा, ठीक है। तो उसको जब कर लेंगे, उसको बोलो, जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो दोस्तों उसके शरीर में ऐसा साट आना है, सटाएंगे दोस्तों आदमी जलेगा नहीं, एक पहले बात ख्याल करना। क्योंकि उधर क्या होता है, मंत्र का प्रयोग हो जाता है, आदमी ऐसा आम आदमी छुएगा ना तो उसको क्या होगा, वो बनन हो जाएगा, वो छोलनी जो अग्नि है बनन हो जाएगा। सिर्फ अघर नट अघोरी गंगया रूपनी ये ऊंच कोटि के भूत है, सिर्फ वही लोग के दोस्तों अंदर से जलेगा, आदमी इंसान कभी नहीं जल सकता, थोड़ा भी लुआ उसको नहीं इधर उधर हो सकता, एक पहले बात ये ख्याल करना, ठीक है। और उसको देह में सटाना है, फिर बोलना है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सटाने से पहले दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, मैं एक मंत्र में बताया हूँ दूसरे वीडियो में, सबसे पहले मंत्र फूंक कर क्या करिए, बाल है जो बाल बांध दिए, लट बांध दीजिए, ठीक है, केस में गांठा दे दीजिए दोस्तों, वो भागेगा नहीं, ठीक है। आ फिर इसका प्रयोग करिए दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए वो जौन अघर नट अघोरी गंगया रूपनी जो भी है दोस्तों नष्ट हो जाएगा, और बोल देगी कि ठीक है आज की तरह से कभी नहीं आएगा। तो ऐसा ऐसा मंत्र आपके पास होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नेपाल का ये स्वयं सिद्ध देहाती मंत्र है, इसको सिद्धि करने का कोई जरूरत नहीं। मंत्र है, मंत्र मैं बोल देता हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग सुनिए,
आ सुनकर फिर लिख लीजिए, नहीं तो मंत्र ऐसा ऊर्जा है दोस्तों, थोड़ा सा भी मंत्र में मिस्टेक हो जाता है, त्रुटि हो जाता है, तो ये अपना कार्य नहीं करता है। एक पहले बात ये ख्याल करना, बाद में बोलेंगे कि मेरा मंत्र कार्य नहीं करता है, मेरा मंत्र जो है वो सीधी नहीं होता, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो दोस्तों वो मंत्र है, वो मंत्र मैं बोल देता हूँ, ठीक है। गंडक लकड़ी अग्नि बांधो, बांधो तामा ताई, छप्पन मुख अग्नि बांधो, नरसिंह के दोहाई, भैरव के दोहाई से छोलनी बनाई, हाथ न जरे पैर न जरे कपार न जरे, जरे बामत अघर नट अघोरी, गंगिया रूपनी जरे सफाई, ना जरे तो नैना जुंग जाटा टूट गिरे, दोहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्विक दोहाई सतगुरु के बंदो पार। मंत्र इतने हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिख लूंगा, ठीक है, लिख कर फिर मैं आप लोगों में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है ना दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो उतना बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि एक दिन में 10-12 वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ, उसी में एक एक दिन पब्लिश करता ही रहता हूँ, इसलिए अब क्या करेंगे। आज जौन सा भी साधक साधिका तंत्र मंत्र में जब रुचि रखते हैं दोस्तों, आपको मालूम है दोस्तों, तो मेरा वीडियो उन तक पुगाने का प्रयास करिए दोस्तों, ताकि मेरा ज्ञान और तंत्र मंत्र जादू टोना से माता बहनों के जब रक्षा होता है, ठीक होता है दोस्तों, मैं खुद के मैं भक्तशाली समझूंगा दोस्तों, ठीक है। मेरा कर्तव्य सिर्फ दोस्तों गुण का प्रचार करना, प्राचीन से प्राचीन जादू टोना तंत्र मंत्र के दोस्तों काट दूं और उसके बारे में आप लोग के जानकारी दूं, यही उद्देश्य है मेरा दोस्तों, ठीक है। आप लोग अभी तक मेरा YouTube चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा साथ जुड़ जाइए, जुड़ जाएंगे तो एक फैमिली और एक परिवार का तरह हो जाएंगे दोस्तों। इतने में बोलूँगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतने में बोलूँगा, अभी के लिए चलता हूँ, जय माता दी।